अस्सलाम वालेकुम। आप सब जानते हैं पाकिस्तान अतीय खुदावंदी है। अहले इस्लाम बिलअमूम और मुसलमानान बरे सगीर की दिलों की धड़कन है। इसकी बुनियाद इस्लाम की बुनियादी रूह कलमा शहादत की लाजवाल हकीकत पर रखी गई है। और आज हम आपके साथ शेयर करेंगे पाकिस्तान के बारे में वो चंद मालूमात जो हर पाकिस्तानी के लिए जानना इंतहाई ज़रूरी है। कौमी परचम। 11 अगस्त 1947 को कौमी परचम लियाकत अली खान ने असम्बली में पेश किया। कौमी परचम लहराने की पहली तकरीब अलामा शबीर अहमद उस्मानी के हाथों अंजाम पाई। पाकिस्तान का कौमी परचम गहरे सब्ज रंग का है। इस पर सफ़ेद हिलाल बना है और 5 कोनों वाला सितारा बना है जो इस्लाम के 5 अरकानों की निशानदही करता है। आज़ादी के बाद पाकिस्तान का कौमी परचम सबसे पहले मुल्क फ्रांस में लहराया गया। कौमी नारा। पाकिस्तान का कौमी नारा पाकिस्तान जिंदाबाद है। कौमी तराना। पाकिस्तान का कौमी तराना पाक सर जमीन शादबाद है। इसे मशहूर शायर हफीज जलंधरी ने लिखा। इसकी धुन अहमद छागला ने बनाई। इसमें 38 साज हैं और इस तराने में 11 गुलूकारों की आवाज़ें शामिल हैं। ये 17 अगस्त 1954 को पाकिस्तान का कौमी तराना मंजूर हुआ। पाकिस्तान का तराना बजने में 1 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। कौमी फूल। पाकिस्तान का कौमी फूल चंबेली है, जिसे गुले यास्मीन भी कहा जाता है। चंबेली के फूल को जुलाई 1961 में पाकिस्तान का कौमी फूल करार दिया गया। कौमी लिबास। यूं तो पाकिस्तान में काफ़ी लिबास पहने जाते हैं, लेकिन सबका वज़ीर आज़म भुट्टो के ज़माने से शलवार कमीज़ को कौमी लिबास कहा गया, मगर इसे सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक के दौरे हुकूमत में तरक्की मिली। कौमी मशरूब। पाकिस्तान का कौमी मशरूब गन्ने का रस है। गन्ना पाकिस्तान में खासी मकदार में पैदा होता है। कौमी खेल। पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी है और ये बात हमारे लिए काबिल फ़ख्र है कि हॉकी के ज़्यादा एजाजात पाकिस्तान के पास रहे हैं। योम दिफा। पाकिस्तान हर साल 6 सितंबर को योम दिफा मनाता है। इस तारीख को पाकिस्तान ने भारतीय फ़ौज के हमले को पिस्पा करके रख दिया था।